नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं बालमेरा थी। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की दूसरी इकाई की भाषा सत्ता सीखेंगे। इन वाक्यों को पढ़िए। लक्ष्मी, आज कोई क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, किशन ने कहा। हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौना बनाना जरूर सिखाऊंगा। क्यों, यहाँ कोई तकलीफ है? तो देखा, इन सारे वाक्यों को पढ़ते समय हमने अलग अलग चिन्हों का उपयोग किया। इन सारे चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आज हम विराम चिन्ह की परिभाषा और उनके प्रकार सीखेंगे। पहले विराम चिन्ह की परिभाषा। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पर्श करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम यानी कि रुकना, चिन्ह यानी कि निशान। वाक्यों में जहाँ पर हमें रुकना पड़ता है वहाँ हम चिन्ह लगाते हैं, उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। आगे देखते हैं उनके प्रकार। आज हम विराम चिन्ह के 8 प्रकार सीखेंगे। पहला है पूर्ण विराम, उसको हम ऐसे लिखते हैं। अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिक बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और अवतरण चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम। इनका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जब वाक्य हम पूर्ण करते हैं उसके पीछे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई। इन दोनों वाक्यों के पीछे हमने पूर्ण विराम लगाया है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जब हम वाक्य में थोड़ा रुकते हैं तब वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो करने के लिए हम विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। राम, सीता और मोहन घर गए। ऐसे हम वाक्य बिना रुकावट के पढ़ लेंगे तो वाक्य हमें समझ नहीं आएगा। राम, सीता और मोहन घर गए, ऐसे हम वाक्य को विराम के साथ पढ़ेंगे तो समझ आएगा, इसलिए हम विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। दूसरा है रोको मत, जाने दो। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी व्यक्ति से हमें कोई जानकारी लेनी हो या प्रश्न पूछना हो तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे, तुम क्या करते हो। आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, जिन भावों को हम अनुभव कर सकते हैं उन भावों को दर्शाने के लिए हम अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। उन सारे शब्दों के पीछे हम विस्मयकारक बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे वाह, आपने तो कमाल कर दिया, अरे क्या हो गया। योजक, योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। आगे है निर्देशक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पर्श करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। निर्देशक चिन्ह का उपयोग हम बात को स्पर्श करने के लिए करते हैं। ग्राहक ने कहा, यह पुस्तक का क्या मूल्य है। ग्राहक ने कहा लिखते नहीं, उसकी जगह हम निर्देशक का प्रयोग करते हैं। दुकानदार ने कहा, यह 25 रुपए की है। ने कहा हमने लिखा नहीं, उसकी जगह हमने निर्देशक का प्रयोग किया है।
आगे है कोष्टक। किसी शब्द के अर्थ को स्पर्श करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जब हमें कोई शब्द समझ नहीं आता तब हम उसका दूसरा अर्थ कोष्टक में लिखते हैं, जैसे कि अध्ययन यानी कि पढ़ना अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरुद्धार्थी यानी कि विलोम विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आगे है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के दो प्रकार है, एक हरा और दोहरा। पहला है एक हरा। एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है, जैसे कि समझदार ननी पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, या समझदार ननी पाठ को दर्शाने के लिए हमने एक हरे चिन्ह का उपयोग किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, यहाँ उपनाम दर्शाने के लिए हमने एक हरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया है। आगे दोहरा। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो भी महान व्यक्ति ने या किसी ने कहा है हम उसे बदल तो नहीं सकते, इसलिए हम उसको दर्शाने के लिए हम दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, या महात्मा गांधी जी ने जो कहा है हम उसे बदल तो सकते नहीं, इसलिए हमने दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किया है। आगे शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, इस नारे को हम बदल नहीं सकते, इसलिए हमने दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किया है। आगे वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। चिठी तुमने यह क्या किया। दूसरा वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। तीसरा वह मजा आ गया। चौथा अरे तुम नहीं गए। उत्तर है चिठी तुमने यह क्या किया। यहाँ हमें आश्चर्य होता है, इसलिए हमने विस्मय यानी बोधक चिन्ह का उपयोग किया है। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। यह वैशाली ने जो कहा है हम बदल नहीं सकते, इसलिए हमने दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किया है। वाह मजा आ गया। यहाँ भी आश्चर्य होता है, इसलिए हमने विस्मय अधिक बोधक चिन्ह का उपयोग किया है। अरे तुम नहीं गए। यहाँ भी हमने विस्मय कारक बोधक चिन्ह का उपयोग किया है। आगे है आपको यहाँ पे अपने मनपसंद रंग बोलने हैं।